बिगड़गा बिगड़गा तुझे सा बुरा करम करती कैसा करती और सबके चक्कर चला दिए सारे सारे बिना तो मैं दम करती सारे सारे बिना तो मैं दम करती संभालने की उस दिक्कत को भी बहुत इधर भाई कोई दिक्कत नहीं है बेहतरीन संभालने के मामले को चिंता मत कर लेकिन स्वर ताल साउट मत होना बस स्वर ताल साउट मत होना जोगिंदर भाई आइए पहली बात के माध्यम से धर्म याद दिशर कितनी सुंदर बात कहने लगे कैसे नहीं पांडव गेरे नहीं थे भाई कौरव पांडव गेरे नहीं थे कौरव पांडव गेरे नहीं थे कौरव पांडव गेरे नहीं थे भाई एक दाता की हलवाई अंधे का तुते अंधे का अंधा के की बसी सी बात का दुखे भारी बसी सी बात का दुखे भारी बसी सी बात का दुखे भारी कुंती मान पांच जने कुंती मान पांच जने हम पांचों बेटर धारी मगर हमें मगर हमें कुंती से जादारी प्यार करे भिगने धारी हो आज बिचारी रोती डोले आज बिचारी रोती डोले आज बिचारी रोती डोले आज बिचारी रोती डोले सारे नार गर्म कर दी और सबके चक्कर चला दिए सारे सारे दिलाक में तमे करेगी सम्मान के योग्य सम्मान के पात्री गौतम मिस्त्री जी हसनपुर से आइए 500 रुपए से गुरु जी का मान सम्मान करते चाहूंगा भाई एक बार जोरदार ताली और आइए संगीतकार बंधु बड़ी बात नहीं करता महाभारत के प्रसंग में आपके बाद दूसरी भी बात रखी गई है दूसरी बात रखी गई है पहले गजेंद्र दोक्सा जी गा के गए हैं
दूसरी बात मैं रख रहा हूं, सभी विद्वान लोग बैठे हैं, जितने भी यहां पर लोग बैठे हैं सभी जानते हैं, 95% लोग जानते हैं महाभारत में क्या हुआ था। सभी 95% लोग जानते हैं कि महाभारत में क्या हुआ था। दूसरी बात में जो कहने लगे धर्म राज्य निश्चल, हमने जानते क्या हुआ बंटी भाई, कुछ लोग कान तिरछा कर रहे हैं, आवाज बराबर जानी चाहिए में। नहीं ध्यान मत लगाओ इसको, उधर भी लगाओ। आइए भैया, दूसरी बात में यूं कहने लगे धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी उस बात को याद कर ले जब तुमने उस दुर्योधन को अंधा का अंधा कहा था। अरे द्रौपदी, उस दुर्योधन की गलती नहीं थी, दुर्योधन की कोई गलती नहीं थी, तूने उसे अंधे का अंधा कह दिया, सारी महाभारत को खत्म कर दिया। अंधे का अंधा तुझे कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि जेठ जेठ पिता के समान होता है, जेठ एक पिता के समान होता। कितने लोग जानते हैं जेठ पिता के समान होता? ताली बजा के बताओ। वही वो क्या बात है, 15% लोग जानते हैं जेठ पिता के समान होता, बाकी सब उत्तर बैठना। आइए भैया, दुर्योधन को गलत बोल के शेर जगाया था सोता, हंसी जेठ की हंसी जेठ हंसी ना करती तोरी कुल का नाश नहीं होता है, कुल का नाश नहीं होता, कुल का नाश नहीं होता। और कुरुक्षेत्र में बाबा भी समूह, कुरुक्षेत्र में बाबा भी समूह, खून देख के नारो था दुर्योधन भी योद्धा था भाई, दुर्योधन भी योद्धा था, बता कैसे करता समझ होता। अरे दुर्योधन भी योद्धा था, बता कैसे करता समझ होता। ए जैसा बोता पड़े माते, जैसा बोता पड़े काटे, क्रिया का कलम करगी सबके चक्कर चला दिए। हमारे गुरुजी सुना रहे हैं आइए महाभारत के किस्से से, और अगर क्या लिख लिया अगर भाई यहां तक कोई बात अच्छी लगी है कहीं ना कहीं तुम्हारे हृदय को ये बात छुई है तो चाहूंगा गुरुजी के लिए एक बार भाई जोरदार तालियों से स्वागत कर देंगे, जोरदार तालियों से। और तीसरी बात में कैसे बताया और
देखिए बड़ी बात नहीं करते, यहाँ पर सभी सीनियर कलाकार बैठे हैं, इंद्र भैया, जोगिंदर भाई, आइए भैया हल्की सी आवाज बढ़ा दियो। पंडित भैया अच्छा ये बताओ, यहाँ पर कितने लोग जानते हैं कि महाभारत में क्या हुआ था? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताओ एक बार। हाथ उठा के, किसी को नहीं पता महाभारत में क्या हुआ था? किसी को पता ही नहीं है? बता दो ना। बिल्कुल भी, अगर सुंदर भाई अगर हमारे बुजुर्ग जानते हैं नहीं तो फिर इसका मतलब ये है, हमारे नौजवान कहने की हरवीर भाई ये बता रहे थे हमसे शुरू में, जब ये कार्यक्रम बुक हुआ था न्यू भाई हसोपुर गांव में रागनी जाते सुनी जा, हसोपुर गांव में जब रागनी जाते सुनी जाते ही नहीं इन्हें पता महाभारत क्या है। ये तो डांस देखने को है गुरु जी, डांस देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने बुजुर्गों को सम्मानित रखो, अगर डांस देख रहे हैं डांस भी देखो। लेकिन ऐसा कौन यहाँ बैठा है जिसको पता नहीं अपने हिंदुस्तान के बारे में? यहाँ पे अगर पाकिस्तानी लोग कितने बैठे हैं? हमारे हिंदुस्तानी बैठे हैं तो हिंदुस्तानी लोग हाथ उठा के बताओ कितने हिंदुस्तानी हो? सब हिंदुस्तानी हो फिर तुम्हें महाभारत की नहीं बताओ, कुरान की बता तुम्हें, कुरान की तुम्हें कुरान की बता। अरे कमाल कर रहे हो यार, अच्छा तुम्हें महाभारत की नहीं पता? संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। फिर सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सभी लोग जानते हैं महाभारत में शर्त लगा दी भैया, टेबल कर दो हल्का सा इसमें, अमित भैया टेबल कर दो हल्का सा। महाभारत में शर्त लगा दी, महाभारत में शर्त लगा दी, पांडव शर्त को पूरी करने के लिए आए, द्रौपदी के बाप ने द्रौपदी ने शर्त लगा दी कि जो मछली की आंख को बेंधेगा, द्रौपदी ने एक शर्त लगा दी कि जो मछली की आंख को बेंधेगा मैं अपनी पुत्री द्रौपदी की शादी उसके साथ में कर दूंगा। सभी सम्मानित लोग बैठे हैं, ज्ञान और ध्यान की बात आपके बीच में रख रहा हूं, भाई ध्यान से सुनना बात को, गाना सभी लोग गा रहे हैं, सभी कलाकार गाएंगे आपके बीच में, बड़ी बात नहीं करता। द्रौपदी ने एक शर्त लगा दी कि जो मछली की आंख को बेंधेगा, मैं आज शर्त लगा रहा हूं कि जो मछली की आंख को बेंधेगा मैं अपनी पुत्री द्रौपदी की शादी उसके साथ में कर दूंगा। शर्त को पूरा करने के लिए हर राज्य से राजकुमार आए, हर राज्य से राजा आए, अत्यंत चढ़ ली धनुष चढ़ा लिया, लेकिन भाऊजी जब करण आया, करण नाम सुना होगा सबने, करण का, करण का नाम तो सबने सुना है महाभारत में। जब करण आया और करण ने धनुष उठा लिया, अत्यंत चढ़ा लिया और बाण चढ़ा लिया, जितने भी यहां पर प्रतिष्ठित जितने भी लोग बैठे हैं सभी सामाजिक लोग बैठे हैं, बच्चों बस सुनो, जितने भी लोग बैठे हैं ऐसा इंसान एक खड़ा होकर मुझे ये बता दे सुंदर बैंसला को, क्या करण उस मछली को बेंध नहीं सकता था? बेंध देता, क्यों नहीं बेंधा फिर उसने? द्रौपदी ने क्यों नहीं बेंधने दिया? नहीं, द्रौपदी ने इसलिए नहीं बेंधन दिया क्योंकि द्रौपदी को पता था कि तुझे पांडव के घर में जाना है। भैया द्रौपदी को तुम्हें महाभारत का ज्ञान नहीं है,
द्रौपदी ने इसलिए नहीं बेंदने दिया क्योंकि कृष्ण भगवान ने पहले ज्ञान दे दिया था कि तुझे पांडवों के घर में जाना, कौरवों के घर में नहीं जाना। बहस मत करो, बड़ा मुद्दा बन जाएगा। आइए, कर्ण जब मछली की आंखों बेंद सकता था तो कर्ण को बेंदने क्यों नहीं दिया? आइए तीसरी बात ने क्या बता दिया। आइए भैया, छल करके मरवाया था सगा द्रौपदी, सगा द्रौपदी जेठ तेरा वो घास मेरा मा जाया था, वो घास मेरा मा जाया था, वो घास मेरा मा जाया था। हे माँ को श्राप दिया सूरज ने, हे माँ को श्राप दिया सूरज ने, यहाँ जन्म लू पाया बड़े झक मार गए औरत का पार नहीं पता, बड़े बड़े झक मार गए औरत का पार नहीं पता। सतगुरु अंदर पाले कह बिन पिंगल में नहीं खाता, पिंगल में नहीं खाता, पिंगल में नहीं खाता। सरस्वती माता की कृपा, सरस्वती माता की कृपा, भाई सरस्वती माता की कृपा, सरस्वती माता की कृपा। हर कविता कलम करेगी, हर सबके चक्कर चला दी, हर दर्द नाक में दमे करेगी, हर दर्द नाक में दमे करेगी। तने द्रौपदी खेल बिगाड़ा, कर्म करगी, सबके चक्कर चला दिए,